तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो देखने से पहले ही, और लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि श्रीगंगानगर से लेकर के दिल्ली के बीच में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो संचालित की जाएगी। हालाँकि जो रूट है अभी वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है, और खुद दोस्तों श्रीगंगानगर भी अभी इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है। तो ऐसे में तो खैर बात जाहिर है कि कम से कम 1-1.5 साल का समय इसमें भी लगेगा। अगर राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन दोस्तों होता है तो वो पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि कोटा से ही उसको संचालित किया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में सरकार की तरफ से जो है दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर को जो एक रेक मिला हुआ है इसकी पुष्टि यहाँ पर क्लियर कर दी है, जिसमें कि दोस्तों पहला जो रेक है वो दिल्ली तक संचालित किया जाएगा। अब काफ़ी सारे जो रूट है दोस्तों यहाँ पर निकल करके आते हैं, जिसमें कि पहला रूट है दोस्तों श्रीगंगानगर बीकानेर के रास्ते जयपुर होते हुए रेवाड़ी होते हुए ये जो रूट है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा आता है हनुमानगढ़ सादुलपुर होते हुए, जिसमें कि दोस्तों पहले ही हनुमानगढ़ में लोको रिवर्सल लग जाएगा। और तीसरा जो रूट है दोस्तों वो आता है वाया भटिंडा। तो इसमें जो ज़्यादा चांसेस दोस्तों वो अबोहर भटिंडा रूट के हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये पुष्टि भी कर दी गई है कि श्रीगंगानगर से जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक है, श्रीगंगानगर से दिल्ली के बीच का जो पहला रेक है दोस्तों, उसके संचालन के लिए यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर में यार्ड का भी काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें इसके मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। एक डबल ट्रैक का वो यार्ड होने वाला है, जिसके अंदर पूरी वंदे भारत ट्रेन सेट को रखा जाएगा। आधुनिक कोचेस जो हैं दोस्तों वो यहाँ पर निकल करके आ चुके हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने उसके फोटोज़ भी देख लिए होंगे। पहले दो रेक से बिल्कुल विपरीत तरीके की इस वंदे भारत एक्सप्रेस रेक का निर्माण किया गया है, और इसमें पहले से ज़्यादा कई फीचर्स मौजूद हैं। परसों यानी कि 12 अगस्त 2022 को जो है दोस्तों ये पहला रेक जो है, यानी कि तीसरा रेक जो है दोस्तों वो ICF चेन्नई से निकल जाएगा। जो है इसका पहला रेक निकाल दिया जाएगा, और इसके जो फोटोज है दोस्तों वो तो आप लोग देख ही चुके, वीडियोज में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो रूट है दोस्तों, इसको यहाँ पर डिसाइड किया गया है हनुमानगढ़ से ये जो ट्रेन है यहाँ से निकलेगी, और पहला हॉल्ट इसका होगा भटिंडा। भटिंडा से निकलने के बाद में दोस्तों जाखल, जाखल से निकलने के बाद में जींद, रोहतक, और रोहतक के बाद में दोस्तों सीधा नई दिल्ली। तो ऐसा कुछ जो रूट है दोस्तों वो यहाँ पर होने वाला है। चांसेस ये भी हैं कि दोस्तों नई दिल्ली से संचालित ना करके इसको सब्जी मंडी दिल्ली से इसको संचालित किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रश जो है दोस्तों वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर होने वाले हैं, और काफ़ी सारे जो वंदे भारत के रैक होंगे दोस्तों कि काफ़ी सारे रैक जो हैं दोस्तों वो नई दिल्ली से संचालित होने वाले हैं। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो सकती है, 90% चांसेस बनते हैं कि जो पहला रैक होगा दोस्तों, जो श्रीगंगानगर का रैक होने वाला है, वो यहाँ पर शकूर बस्ती दिल्ली से संचालित किया जाए। क्योंकि अभी के समय में दोस्तों जो यार्ड है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, और कुछ लीक्स के अनुसार मैं बताऊँ तो दोस्तों शकूर बस्ती में भी कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस के यार्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि मेंटेनेंस का काम किया जा सकेगा। लेकिन इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है दोस्तों श्रीगंगानगर वंदे भारत के लिए, तो वो श्रीगंगानगर ही करने वाला है। यानी कि श्रीगंगानगर से चल के जो ये ट्रेन है रात में जर्नी अपनी श्रीगंगानगर में ही खत्म करेगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से ये जो रेक है उसको संचालित किया जाएगा। श्रीगंगानगर के अलावा दोस्तों अजमेर, जयपुर और उदयपुर को भी रेक मिले हैं, जिसमें जयपुर को 2 और अजमेर और उदयपुर को 1-1 रेक मिला है। वहीं हम बात करें दोस्तों उदयपुर से अहमदाबाद या उदयपुर से मुंबई के रेक के संचालन की भी यहाँ पर जो पुष्टि है वो की जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो दोस्तों उमरा में तो लगभग हो ही गया है। ब्रेकेट ट्यूब्स लग करके उसमें एक वायर का बांध दिया गया है, ताकि सब चीज़ें यहाँ पर मेंटेन रहे। और जैसा कि अब यहाँ पे जब इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा इलेक्ट्रिफिकेशन करने में, लेकिन यकीन मानिए जितना जल्दी हो सकता है इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा अगर उदयपुर से मुंबई के बीच में वंदे भारत संचालित की जाती है तो। क्योंकि वंदे भारत दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद के बीच में भी संचालित की जाएगी, तो इसमें ये भी चांसेस हो जाते हैं कि उदयपुर से मुंबई वाया अजमेर जयपुर संचालित किया जा सके, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, उदयपुर से दिल्ली संचालित की जा सकती है। आप लोग अपना ओपिनियन दोस्तों श्रीगंगानगर वंदे भारत के ऊपर जरूर से दीजिएगा, जरूर से अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिएगा, और जोधपुर या जैसलमेर या बीकानेर को रेक क्यों नहीं मिला इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।